हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम चौधरी और मेरे चैनल आर एन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ S3 से डेटा S3 में कैसे कॉपी करते हैं। एक S3 में डेटा मेरा, वही डेटा सेम टू सेम को दूसरे S3 में चाहिए तो कैसे कॉपी करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला IAM यूज़र बनाना पड़ेगा। IAM यूज़र को S3 फुल एक्सेस देना पड़ेगा। उसके बाद उसका एक्सेस की और सीक्रेट की आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया IAM यूज़र बना के रखा है और मैंने इसका एक्सेस की और सीक्रेट की डाउनलोड करके रखा है। और उसके बाद आपको AWSCLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको CMD ओपन करना पड़ेगा और CMD में आपको टाइप करना पड़ेगा AWS config। ये टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्सेस की डालना पड़ेगा जो यूज़र का आपने डाउनलोड किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं एंटर कर देता हूँ। आपको डालना पड़ेगा फिर यहाँ की सीक्रेट की, ये आपको वही यूज़र का डालना पड़ेगा। डिफॉल्ट रीजन आपका क्या है, AP South जो भी आपका रीजन है वो आपको डालना पड़ेगा। तो एंटर कर, डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर्मेट में स्टार एंटर कर देना। ये हो गया। अभी सबसे ये काम होने के बाद आपको एक कमांड टाइप करना है और कमांड में क्या लिखना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे AWS S3 sync, यहाँ पे सोर्स बैकेट नेम, फिर S3, फिर टारगेट बैकेट नेम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा बैकेट एक बार। ये देखिए मेन डेटा बैकअप, इसके अंदर बहुत सारी फाइल है और जो आपका sync डेटा बैकअप उसमें आपको कुछ नहीं है। बैकेट आप नॉर्मल जैसा बनाते हो वैसा बनाइए और परमिशन प्राइवेट बैकेट है, पब्लिक नहीं, पब्लिक ब्लॉक ऑल एक्सेस। ये देखिए तो आपको दिखा दूँ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए अभी मैं कमांड एंटर करता हूँ। ये मैं कमांड एंटर करता हूँ, मेरा मेन डेटा बैकअप से जाएगा सिंक डेटा बैकअप S3 में। यहाँ पे मैं करता हूँ, यही कमांड आपको याद रखना है। और जिस यूज़र का आप एक्सेस की सिक्योरिटी की डालो वो यूज़र को S3 फुल एक्सेस होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना आपको। चलिए मैं एंटर करता हूँ। देखिए गाइज कॉपी स्टार्ट हो गया, हो भी गया, कितना फटाफट हुआ पता भी नहीं चला, कुछ टाइम नहीं लगा। वो दिखा देता हूँ अभी, इसमें कुछ नहीं था, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए कितना फटाफट डेटा आ गया। अभी आप इसे नॉर्मल क्या करते हो, डेटा कॉपी करते हो, डाउनलोड करते हो, फिर दूसरे S3 में जाके अपलोड करते हो, कितना टाइम वेस्ट होता है। फट से काम हो गया और वो भी प्राइवेट S3 से, प्राइवेट S3 में कुछ भी पब्लिक नहीं है। गाइस ऐसे आप कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, AWS sync भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको sync डाला है, आप यहाँ पर CP लिख सकते हो तो आपका कॉपी हो जाएगा। sync का मतलब क्या होता है, आपका कुछ फाइल वगैरह इसमें है, इसमें नहीं है, सोर्स में है, डिस्टेंशन में नहीं, तो सिंक हो जाएगा और कॉपी से आपका कॉपी हो जाएगा। तो दोनों कमांड यूज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। और थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूँगा। और गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट S3 को अपन कैसे होस्ट करेंगे वेबसाइट, प्राइवेट S3 वेब को होस्ट करेंगे वेबसाइट। प्राइवेट S3 मतलब समझते हैं ना, कुछ भी पब्लिकली एक्सेस नहीं है। अभी आप सोचोगे कि पब्लिक एक्सेस नहीं है तो वेबसाइट तो पब्लिक होता है, कैसे होस्ट होगा। गाइस यही S3 पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।